हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम यूआई का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। वो सिस्टम यूआई का है, तो भाई इससे वॉल्यूम यूआई काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन जाती है पहले से। तो इसी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर हम एमआई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिस्टम यूआई का एक अपडेट आ चुका है जिससे वॉल्यूम कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन गया है। ये पहले भी आया था पर भाई ये इतना स्मूथ नहीं था जितना अब बन चुका है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, देख लीजिए कितना ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है ये, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके बारे में। तो अगर आप बात करें इसको इंस्टॉल करने की, तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने दे रखी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने ये सिस्टम यूआई कंट्रोल्स का दे रखा है जो कि है 1.0.0.87। तो भाई ये न्यू वर्जन है जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लुक देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी स्मूथली ये वर्क करती है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो यहाँ पर काफ़ी स्मूथली वर्क करती है। पर यहाँ पर देखिए DND का टाइमर भी यहाँ पर दिखा रहा है, पहले नहीं दिखा रहा था तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। पर यार ये वर्क बहुत ही अच्छी तरह करती है, मैंने पहले से दे रखी है। तो यहाँ पर मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप काफ़ी आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप बात करें MIUI 12.5 के और फीचर्स कैसे थोड़े बहुत इसमें इंस्टॉल करने हैं अपने MIUI 12 डिवाइस में, तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये वॉल्यूम UI भी एक MIUI 12.5 का ही फीचर है जो कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो आप भी इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली अपनी सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर ऐप्स में मैनेज ऐप्स में चले जाइए और यहाँ पर आप सर्च करिए सिस्टम UI, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे जाकर कर लीजिए। मेरा अभी वो आ नहीं रहा है तो मैं नीचे चला जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिस्टम UI का दिखा देगा कहीं ना कहीं, तो आपको उसे के अपडेट्स को अनइंस्टॉल कर देना है जैसा कि यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है सिस्टम UI। यहाँ पर आपको सर्च करना है तो ये आ जाएगा नीचे, तो आप देख सकते हैं। मैं अभी सर्च कर लेता हूँ सिस्टम UI। तो यहाँ पर आपको सिस्टम UI के अपडेट्स को अनइंस्टॉल कर देना है, काफ़ी इजी मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ पर पता नहीं मेरा क्यों अभी आ नहीं रहा है, आप इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शो ऑल ऐप्स का कर देना है, उसके बाद आपको करना है आपका आ जाएगा सिस्टम UI का ऑप्शन, आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है और आपका ये पहले जैसा MIUI 12 का पहले था, शुरू में MIUI 11 जैसा बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो ये वाला काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना ही दूँ। तो आप काफ़ी ईजी मेथड से इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी मेथड है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और ये कुछ डिवाइसेस में वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि रेडमी नोट 5 प्रो है, अभी उसमें MIUI 12 आया है पर उसमें भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये अभी कुछ डिवाइसेस में वर्क नहीं कर रहा है पर बहुत जल्दी ये करने लग जाएगा, तो आप ट्राई कर लीजिए एक बार। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।